नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले के त्योथर कन्या छात्रावास को कोरोना संदिग्ध मरीजों को रखने के लिए शेल्टर होम बनाया गया है, जहां पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिस पर खबरदार न्यूज के रिपोर्टर आशुतोष शुक्ला ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और पाया कि वर्तमान समय में वहां नगर पंचायत के कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन साफ सफाई पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो भर्ती मरीजों ने बताया कि 20-25 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक उनकी जांच महज 2 से 3 बार ही की गई है। वहीं सुरक्षा कर्मियों की बात की जाए तो मौके पर कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं पाया गया। इस तरीके से शेल्टर होम में कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग व सुरक्षा कर्मी घोर लापरवाही बरत रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं त्योथर से हमारे रिपोर्टर आशुतोष शुक्ला की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। कहाँ से हैं आप? सुहागी से। सुहागी से आपको यहाँ क्यों रखा गया है? क्योंकि हम बाहर से हैं। बाहर से? कहाँ से आए हैं बाहर से आप? मुंबई। मुंबई से। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? लगभग हुए 8-7-8 दिन। 7-8 दिन। जांच बराबर चल रही है आप लोगों की? बिल्कुल डेली हो रही है। यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। और कोई आप लोगों को समस्या यहाँ पे? नहीं। बाहर निकलने के लिए क्या है, जाने दे रहे हैं कि नहीं जाने दे रहे हैं? बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। पूरा दिन आप लोग यहीं पे रहते हैं? बिल्कुल। यहाँ पे कर्मचारियों से कोई प्रॉब्लम नहीं? कर्मचारियों से कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।